तो इंसान वहाँ पे दिल से खुल के बोल देता है। लसन प्याज आटा देखो आगे कागज वागज कोई मत बताओ, हमें इतना यकीन तो घर में आता है 1,35,000 सर। चलो पूरा कैमरे लेके चलो। हाँ तो गाड़ी फ्री होने में ये टेंशन नहीं रहता ना भाई, बहुत रॉकेट की तरह चलती है। ये मालिक ने जिंदगी दी है तो वो लिखेगा भी साहब, पुलिस के वहाँ चल जाओ। सही बात, ये आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। हाथ मत जोड़ी, बॉर्डर पे आके छोड़ा, एक रुपए नहीं लिया मैंने। भाई को नहीं ला रहा है गाड़ी में। अच्छा, मेरे का मोबाइल भी था, मैं वीडियो नहीं बनाया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। 12 टायर की आपकी डिमांड थी, ये लो पूरी कर दी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 धुनी 12 टायर। धुआं बिना यूरिया वाली गाड़ी। दीपक भाई हमारे साथ है और ये ट्रक है टाटा का 3118। बैजिंग वगैरह कहीं दे नहीं रखी है, कहीं की बनी हुई बॉडी, भोपाल की ही बनी हुई बॉडी है, पुरानी है तो मजबूती वगैरह सब पता चलेगी आपको। इसमें 5.9 लीटर का 5,883 cc 5,883 cc का इंजन आता है। 180 hp 180 hp की पावर आती है। 700 nm का टॉर्क आता है। 6 सिलेंडर ही ये इंजन होता है। बिना यूरिया वाली गाड़ी है, मतलब समझ ना, थोड़ा खर्चा कम कमाई ज़्यादा होगा वो वाली लाइन है, मतलब वो तो खैर पता चलेगा बात करने पे भाई से। बाकी खूबसूरत है ओवरऑल। आपने इसको स्टार्ट क्यों खड़ा करा दीपक भाई? कल से क्या है, मैंने स्टार्ट नहीं किया, पंखा चलाया, फैन बैटरी डाउन हो जाता है तो इसकी वजह से स्टार्ट करके रखा। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पे। कहाँ की बनी हुई बॉडी है दीपक भाई? भोपाल की बनी हुई। आपने बताया 2017 मॉडल ट्रक है और जब से आपके पास है चेजिस लिया था आपने। चेजिस मैं अंदर आता हूँ अब आपके पास। ये देखिए डीजल टैंक, पट्टा बॉक्स, इस तरीके की पूरी बॉडी बनी हुई है। बॉडी देखते हुए चलिए, लिफ्टिंग वाले टायर, वहाँ पे एग्जॉस्ट लगा हुआ है। ये बॉडी 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 कितने फीट की, सबसे पहले वो पूछूंगा ताकि भूल ना जाऊँ। यहाँ प्रेशर टैंक लगा हुआ है, पीछे की तरफ देखेंगे ब्लॉक है, वेटफोर्ड साइड अपनापन सब कुछ लिखा हुआ है। अंदर की तरफ देखिए, यहाँ पे स्पेयर व्हील लगा हुआ है, यहाँ पे दो टायर, यहाँ पे दो टायर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 दुनी बार, यहाँ पे व्हील कवर। ये देखेंगे आप बलून्स, जो पुराने वाले टायर के इस तरीके के बलून्स लगे हुए हैं, बोलता ही मैं बंद नहीं हो रहा हूँ। पट्टा बॉक्स, मुँह रुक जाता है मेरा पता, इतनी आदत हो गई मेरी बोलने की, मैं इसको खोलूंगा, इसके अंदर जाऊँगा। ये देखिए बहुत अच्छी जगह पर खड़ा हुआ था इसलिए मैं आसानी से चढ़ गया इसमें। और ये देखिए बना के रखा भाई ने, दीपक भाई ने इस तरीके का इसको बना के रखा है पूरा। सामान और लगाया, निकाल रखा है और सामान आपने, और स्टार्ट खड़ा है तो साउंड भी आप सुन ही सकते हैं इसका। दीपक भाई 2017 में लिया था आपने, कितने का लिया था? ये मोटर मालिक को मालूम है। अच्छा आप दावर है हम। अच्छा 2017 मॉडल ट्रक है, मोटर मालिक का ट्रक है आपको, आप ड्राइविंग करते हैं इसको, चलाते हैं आप इसको? चलाते हैं, मेंटेनेंस हमारा ऑफर है। अच्छा मेंटेनेंस आपके ऊपर है। हाँ। दीपक भाई कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम आष्टा के रहने वाले। आष्टा के रहने वाले, कब से ट्रक चला रहे हैं आप? मैं 14 साल का था जब से गाड़ी बाजी में आ गया हूँ। अभी क्या उम्र होगी आपकी? मेरी 34-35 साल। मेरा लाइसेंस भी आपको बता देता हूँ, ये आपको यूट्यूब चल रहा है ना? नहीं 26 साल की, मतलब 26 साल हो गए आपको इस लाइन में, इतने पुराने? 4 साल कंडक्टरी हेल्पर ही करी है, मैंने बहुत आराम से लिए। आपको पूरा कागज पत्ता देखो, आपने कागज वागज कोई मत बताओ, हमें इतना यकीन तो है यार भाई, काई के लिए कागज बता रहे हैं जो नहीं, आपको नहीं, ये देखो आपका यूट्यूब चला रहा हेयर करो, पूरा कागज पत्तर लाइसेंस, हेवी लाइसेंस है। जी जी समझ गए। नहीं हेवी लाइसेंस है आपको, खातों की बात कर रहे हैं, बताइए हेवी लाइसेंस है। कितने साल से कब से क्या करा ये देखिए भाई, लाइसेंस हेवी होने के पहले 4-5 साल हेल्पर ही करी हमने। अच्छा जी जी, अच्छा ऐसे करके आप पूरे ट्रक में आए। तो दीपक भाई इतना साल आप ट्रक, इतने साल हो गए आपको ट्रक चलाते चलाते, तो आपने खुद का ट्रक नहीं लिया? घर पे मजबूरी सब, घर ही बात नहीं है, घर मकान बनाया, 3 मंजिल मकान भी बनाया है। हाँ। आज पूरा घर परिवार के साथ चल रहा है। लिया था मैंने आयशर, आयशर लिया था, कौन सा वाला आयशर का ही था, आयशर उसमें घाटा आ गया था, लॉकडाउन लग गया। हाँ तो उसमें, तो आपने नया उठाया था क्या आयशर? हाँ सेकंड हैंड लिया था। सेकंड हैंड लिया था तो क्या उसको बेच दिया? फिर बेच दिया ना, लॉकडाउन की वजह से बेच दिया, नुकसान हो गया होगा लॉकडाउन में, क्योंकि चला नहीं होगा, किस्त नहीं भरा पाई होगी। अब क्या कहाँ से करेगा आदमी, गरीब आदमी। सही बात है, 12 टायर ट्रक है ये, कच्चे माल पे चलता होगा? कच्चे माल पे भी चलता है, पक्के माल पे भी चलता। अच्छा सबसे पहले बता दीजिए बॉडी कितने फिट की है इसकी दीपक भाई? इसकी 24 फीट बॉडी है। 24 फीट की बॉडी, 5 फीट का केबिन, 5 फीट का केबिन है, 24 वाल का वाल है एक इंजन। अच्छा 24 वाल का इंजन है इसका, एक एक नॉलेज जब इंजन खोलता है ना सब पता देते हैं। अच्छा 24 वाल का इंजन है, क्या खुलना है क्या नहीं खुलना है जी मिस्त्री को ये बता देता हूँ। दीपक भाई ये बताइए, जैसे अभी आप चला रहे BS3 या BS4 ट्रक है? BS3 है, BS3 ट्रक है, इसमें यूरिया नहीं डलता, यूरिया नहीं डलता। नए ट्रक भी चलाए होंगे आपने कि नहीं चलाए? नहीं मैं वही चला रहा था पहले, BS6 नया वाला। हाँ BS6 से BS4 चलाता था मैं। क्या फर्क लगता है आपको इन ट्रक और उन ट्रकों में? उसमें ये रहता है कि वो धुआं नहीं देती है, उसमें क्या पॉल्यूशन नहीं रहता है। ये क्या, ये BS3 है, इसमें पॉल्यूशन धुआं देती है। क्या है इसमें पावर ज्यादा है, इसमें क्या है ये पंप लगा हुआ है। हाँ इसमें अपन हल्का डीजल बढ़ा दोगे ना, हाँ तो ये बहुत
रॉकेट की तरह चलती है ये गाड़ी की कामक मालूम है ना, रॉकेट की तरह चलती है। चम्मच वाला दर देना और जो BS4 है ना उसका एक्सीलेटर पूरा करंट से सिस्टम है। हाँ वो सेंसर वाला, ये सेंसर वाला नहीं है। नहीं ये सेंसर नहीं, देखो आपके सामने आप BS4 को स्टार्ट करके देख लेना आपको मालूम पड़ जाएगा। अच्छा इसमें हर सिस्टम अलग चीज कर दिया है। जैसे मेल ड्रावर हो ना तो इसमें क्या है हम हाथ नहीं लगा सकते, इसका आएगा कंपनी से हाथ नहीं तो मिस्त्री आएगा। नहीं उसका BS6 का, BS4 BS6 का। हाँ ये BS3 है ना। मैं कुछ भी कर पूरा के इसको मैं मेरे गांव ले जाऊंगा। हाँ, इस गाड़ी में ये सिस्टम है। आप सही कर लोगे मतलब कुछ भी कर। हाँ, खराबी आ गई तो कुछ भी खराबी आ गई। हाँ ज्यादा बड़ा काम है तो उसमें हाथ में नहीं डाल। तो आपके तजुर्बे के हिसाब से दीपक भाई आपको BS3 अच्छी लगती है BS6 ज्यादा अच्छी लगती है? हमें के टाइम में चलना पड़ेगा ना हमारे को। हाँ बात तो सही है, तो BS6 चलाना ही पड़ेगी। BS6 भी चलाना पड़ेगा, BS4 भी चलाना। ये गाड़ी तो फ्री होगी? ठीक है फ्री है गाड़ी, फ्री गाड़ी है ये, और इसकी सर्विस भी अब कंपनी में तो होती नहीं होगी। नहीं नहीं हम बाहर ही करवाते। कितने किलोमीटर पर सर्विस होती है दीपक भाई इसकी? 1,00,000 की सर। 1,00,000 पर सर्विस कराते हो? 1,00,000 सीधे 1,00,000 चला देते हो? तो एक क्या खर्चा बैठता होगा इस गाड़ी का? इसका महीने का मतलब एक चक्कर में आता है 1,35,000 रूपए 40,000 रूपए खर्चा आता है जाना बेंगलोर से यहाँ का। अरे नहीं नहीं वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपसे, इसकी मैं सर्विस कराता हूँ ना आप तो सर्विस में क्या खर्चा आता है? ऑयल चेंज फिल्टर चेंज ये आज तक मोटर मालिक से नहीं पूछा। अच्छा वही कराते हैं। तो अभी जो आपने बेंगलोर का बताया कहाँ से जाते हैं बेंगलोर? नहीं क्या लेके जाते हैं? भोपाल नीता आष्टा। हाँ लहसुन प्याज आटा। हाँ आलू यहाँ से लेके जाते हैं बेंगलोर अपना कच्चा माल यहाँ से सब आटा मैदा सब जाता है। कितना किलोमीटर पड़ता है बेंगलोर यहाँ से? 1500 किलोमीटर। कितने टाइम में पहुंच जाते हैं दीपक भाई आप? ये चलता है हमारा चौथे दिन खाली करते हैं। चौथे दिन आप खाली कर देते हैं मतलब फिर वहाँ से क्या लेके आते हैं? आज से भराया यहाँ से आज भराया। हाँ आज का दिन भी जुड़ता है हमारा मतलब चौथे दिन का पहुंच जाते हैं। वहाँ से क्या लेके आते हैं? नारियल है जैसे आप गाड़ी खाली हो रही है आप। हाँ नारियल है भरा हुआ है। नारियल है सुपारी है पत्थर है ग्रेनाइट अपना लकड़ी है। हाँ ये सब माल आता है। तो ये 3,000 किलोमीटर का आने जाने का सफर हो गया आपका। इसमें यहाँ से जाने का क्या भाड़ा लगता होगा? 1,10,000 रुपए। हाँ ये भाड़ा लगता है। हाँ, उधर से आने पे 80-85 में इधर आते। तो मतलब पूरी 2,00,000 की गाड़ी बनी है आपकी कितने दिन में? 8-9 दिन। क्या उसमें कितना डीजल लग गया होगा आपका? अब आपको एक एक बताऊँ। हाँ तो मेरे कहने सब सबूत है। हाँ इसमें 1,00,000 का डीजल हो जाता है। अच्छा इसके अलावा 30-40,000 रुपए खर्चा जाता है। हाँ बाकी सब जो टोल टोल और RTO बॉर्डर तो 1,40,000 का तो खर्च ही बैठ जाता है सिर्फ। हाँ बस 60,000 बच रहा है। बस चाले नहीं इतना भी नहीं बचता, ऊपर खर्चा भी रहता है ना। इसमें गाड़ी छोड़ेगी 30-35,000 रूपए। लेकिन गाड़ी फ्री है तो कोई दिक्कत नहीं है? 8 दिन में अगर 30-35,000 छोड़ रही तो? हाँ ये 30-35,000 छोड़ेगी गाड़ी। तो 4 ट्रिप भी लगा देते होगा महीने भर में? 3 सुकून से लगाते क्योंकि सबका काम रहता है। जैसे मैं ड्राइवर हूँ मेरे को घर रुकना है। हाँ तो मोटर वाले से कहते हैं भैया आज नहीं भरेंगे कल भरेंगे। अच्छा। तो मोटर वाले भी बोलेगा हाँ खड़े रहे। हाँ तो गाड़ी फ्री होने में ये टेंशन नहीं रहता ना भाई क्योंकि किस्त भरना नहीं सूखा 1-1.5 लाख रुपए कमा लेता हूँ इंसान। तो 3 ट्रिप हमारे महीने के लगते मगते इसी चीज पे चलाते हो आप? हाँ, हाँ। क्या अभी माइलेज कितना दे रहा है ये ट्रक दीपक? ये दे रहे 3 का 3 का माइलेज दे रहा है। तो दीपक भाई आपको इतना ज्यादा टाइम हो गया ट्रक चलाते चलाते ये ठीक है आपने आयशा लिया बेच दिया लेकिन जब ट्रक में है तो सही कमाई लाइन भी है आपकी पहचान भी होगी तो फिर से लेने का सोच रहे हैं कुछ? ये लोया है। हाँ ये सक्सेस जिसको हुआ ना। हाँ उसको सक्सेस ये आज कहता रहो ना क्योंकि मैं लिखला हूँ चीज से। हाँ जिसको सक्सेस ये ना वही सक्सेस करना नहीं तो ये ना दुश्मनी जिसको निकालना है ना। हाँ तो दिलवा देंगे मोटर वाले। क्या बात आज हम छगे भाई को नहीं ला रहा गाड़ी में। अच्छा क्यों नहीं ला रहा है? गाली बकते है ना रोड में हमको गाली बकते है साइकिल वाला गाली बकता है हमको। आज के सामने हम तो मीडिया के सामने बोल रहे हैं। बिल्कुल बोलिए आप ये तो चीज हक है बोलने गाली बक रहे हैं हमको हमारी गलती नहीं हमारे को गाली बकते हम तो इतना सुनते क्या करने। सही बात है इज्जत भी बहुत जरूरी है कोई भी अपनी इज्जत थी पहले ड्राइवर की बड़ी गाड़ी चला रहा कुछ कांड होगा बड़ी गाड़ी वाला आएगा हर चीज में बड़ी गाड़ी वाला। आप मेरे साथ चलो पूरा कैमरे लेके चलो बड़ा गाड़ी वाले की गलती होगी तो हम मंजूर है क्या हमने गलती करी हमारी गलती होगी ना आपको हमारे जेल में डालो सब कुछ करो अभी हमारे सामने तो मारुति वाला ला रहा हो एकदम बिरक मार रहा हो तो ये गलती हमारी है क्या? हम तो हमारे हिसाब से लेके चलते हैं ना। सही आज इतना बड़ा वाहन लेके हम चल रहे हैं और खाना पीना ले जा रहा है हम किसके लिए लेके जा रहा है ये अपनी पब्लिक के लिए। सही बात बढ़िया लॉकडाउन में हमने फुल ड्राइवर को माल लेके पहुंचाया सब कुछ करा
मैं खुद कह रहा हूँ भाई, मैंने इन्हें पूरा लॉकडाउन में मेरी गाड़ी में बिठाया, पूरा मेरे का मोबाइल भी था, मैं हाँ। वीडियो नहीं बनाया मैंने जी जी। मैंने पूरा गाड़ी में लेबर को बिठाया हाँ। बॉर्डर पे आके छोड़ा, एक रुपए नहीं लिया मैंने। ये वीडियो जाएगा कहीं भी जाएगा जी जी बिल्कुल। ये कहना है क्योंकि आजकल का ड्राइवर को ड्राइवर की नहीं, मैं कहता हूँ ना भाई सुनिए, आप ड्राइवर की क्या है, आप भाई आपका कहना बिल्कुल सही है दीपक भाई, और सब लोगों से एक दरखास्त है कि ड्राइवर की रेस्पेक्ट करें, मतलब इज्जत करना सीखे। हर इंसान इज्जत डिजर्व करता, कोई भी हो, चाहे ड्राइवर हो चाहे कोई भी हो, हर काम करने वाला इंसान इज्जत डिजर्व करता उसको। और गलती वाली बात तो रही तो पहले तहकीकात करी जाए, उसके बाद पता लगाया जाए गलती किसके, उसके बाद आप बेधड़क बिल्कुल बिल्कुल सही बोल। आप ये बताओ एक्सीडेंट हुआ तो पूरे ड्राइवर की गलती मानते, ड्राइवर को मारने में ठोकते हैं हमारे यहाँ स्टे में यूनियन ने, तो बाकी आज तक ये जो हाथ नहीं लगाते ड्राइवर से, पहले रोकेंगे बेटा घबराए मत की हाँ। ये बात आप आराम से ड्राइवर से पूछो कि भाई लाइसेंस है नहीं है, तेरी गलती है नहीं है, सही बात है। हाथ मत लगाओ, पुलिस के वहाँ चल जाओ, सही बात है। पुलिस पूरा कार्रवाई करेगी, उसको जेल पहुँचाना है क्या नहीं करना है, सही बात है बिल्कुल सही। ये बात आप वहाँ करो जी बिल्कुल, आप ड्राइवर को मत मारो। ये मालिक ने जिंदगी दी है तो वो लिखेगा भी सही कि तेरा हाथ कांड होना है तो होना है, बिल्कुल सही बात है। मेरा हाथ मेरे गाँव के पास में गाड़ी पलटी खा गई जी, मैं किससे क्या कहने जाऊँ, सही बात है। मैंने नहीं मारा किसी को, किसी भाई ये बंदों से कहता हूँ टावर को परेशान मत करो, बिल्कुल सही। ये आपके सबके लिए है ये टावर, जानबूझ के कोई नहीं करता, कोई नहीं करता है, मजबूरी में हो जाता है, सही बात है। आज यहाँ से यहाँ लेके जा रहा है माल, इसके लिए लेके जा रहा है, सही बात है। आज तुम विदेश में चल जाओ, विदेश में आप देख लेना फिर टावर की क्या होती है, सही बात है। ये आपसे हाथ जोड़ के विनती नहीं, नहीं हाथ बात मत जोड़िए, आप इधर बताइए आपका हाथ मुझे, वो आपकी बात आगे तक जाएगी दीपक भाई, बहुत शानदार इंसान हो आप, अभी नाश्ता पानी करेंगे अपन। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे, बहुत अच्छा लगा बात करके दीपक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे दीपक भाई की जो बातें हैं दिल से बातें भाई, ये कुछ कुछ जब मैं इंटरव्यू करता हूँ और एकदम से जब ये ड्राइवर भाई हमारे इस तरीके से बोलने लगते हैं, बहुत से वीडियोस में ऐसा हुआ है, तो ये एकदम से दिल की बातें निकल जाती हैं कि हाँ भाई कि चलो अपना दुख दर्द बयां करने के लिए कोई मिला अपन बोल सके, तो इंसान वहां पे दिल से खुल के बोल देता है। तो ये है कि देह मैं आप करके ऐसे करके बात करता हूँ, तो मैं ये नहीं कि वीडियो के लिए बात करता हूँ, मैं सबसे ही ऐसे बात करता हूँ। आप लोग बोलते हैं ना भाई ड्राइवर से अच्छे से बात करते हो क्या, वीडियो के लिए करते हो कुछ कमेंट आते, नहीं भाई मैं सबसे ऐसे बात करता हूँ, रियल बातें जो है बात हाँ, आपने रियल बात करो जो बातें क्लियर, इंसान की रेस्पेक्ट करनी चाहिए आपको, तो रेस्पेक्ट ट्रक ड्राइवर। तो गाइस ये हमारा छोटा मोटा वीडियो, पर तुम गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि अमेजिंग वीडियो आपको रेगुलरली देखने को मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।